हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया और कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और किस डायरेक्शन में कल जा सकता है मार्केट। आज अगर देखेंगे तो सरप्राइजली मार्केट गैप अप ओपन हुआ, जहाँ पे ये लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे पिछले कुछ सेशंस में टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जो टारगेट था 600 का, ये अचीव हो चुका है। कल भी मैं वीडियो बनाने वाला था, बना ही रहा था, लेकिन मेरे पीसी में कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए दो बार मैंने रिकॉर्डिंग करके फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। तो अभी अगर देखेंगे तो निफ्टी जो है 500 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिला है। अगर यहाँ पे देखोगे 22,500, एक्चुअली ये क्लोजिंग थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, 30 के ऊपर या 30 के आसपास भी होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। ये 500 के, चलो फिर भी जो साइकोलॉजिकल नंबर था ये 22,500, उसके ऊपर तो क्लोजिंग मिला है हमें। इंटरडे में अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट पहले गैप अप खुला, उसके बाद में नीचे आया, लग रहा था यहाँ पे जो 430 से लेके 4,450 का जो लेवल था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेगा, लेकिन उसके भी नीचे काफ़ी नीचे आया था, लगभग 300 के आसपास मार्केट आया था यहाँ पे। एक बार बाउंस करने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, तो लग रहा था कि अभी नीचे आने वाला है, लेकिन फिर से मार्केट ने काफ़ी अच्छी तगड़ी रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 300 से लेके अगर यहाँ पे जो हाई है, लगभग 271 पॉइंट्स का जो है मार्केट ने सेकंड हाफ में रिकवरी दिखाई। तो ये वाले जो ट्रेड थे, हमने ये वाला जो नीचे डाउन मूव आया था ये भी हमने कैप्चर किया, और ये अप मूव जो आया था ये भी हमने कैप्चर किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। टेलीग्राम चैनल जो है फ्री वाला, मैंने उस पर लेवल्स दिए थे, बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल दिए थे, तो एक बार इसे हम हाइड कर देते और डेली में पहले देख लेते यहाँ पे क्या कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे अगर देखोगे पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो हायर लेवल है, जो ऑल टाइम हाई है, उसके पास मार्केट लगभग 2-3 दिन से यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो फाइनली हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला है। हालांकि इंटरडे में सेलिंग भी आई थी, लेकिन फिर से रिकवरी आई, तो इसे हम एक बुलिश कैंडल मान सकते हैं डेली में। अभी कल इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इसके ऊपर निकलता है तो कल के लिए हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, चलिए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लेवल्स जो है मार्क करके रखे हुए हैं ऑलरेडी इंटरडे के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट अगर कल ये ब्रेकआउट जो है जो गैप अप के साथ हमें देखने मिला है आज, वो अगर फेल होता है तो अगर मार्केट 400 के नीचे कहीं पे ट्रेड करना शुरू कर देता है, ये जो 400 का लेवल है इसके नीचे, तो एक वरीड सिनारियो होगा। नीचे की साइड जो है हमारे ये टारगेट हमने फिट करके रखे हुए, तो ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बार। तो नीचे की साइड में हमें ये टारगेट देखने मिल सकते हैं आने वाले टाइम में या कल के ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट जो दिख रहा है हमें, ये अगर फेल हो जाता है तो ये लेवल्स के लिए आप प्रिपेयर होना ज़रूरी है, प्रिपेयर रहना ज़रूरी है ये वाले जो है। यहाँ पे तो मार्केट आके गया है एक बार, ये वाला जो लेवल है हमारा ये टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कल के लिए अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड निकलता है और डे हाई अगर निकलता है, तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है, जो कि है 22,650 का आप लेवल पकड़ के चलिए। ये वाला जो लेवल है हमें कल ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ से बुलिश मोमेंटम अगर कुछ दिखाता है तो 22,650 के लिए रेडी रहना, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलता है और जो 430 का जो लेवल है, यहाँ पे एक डिप आके फिर एक बाइंग आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। तो 430 का जो लेवल है ये वाला 425-30 से लेके 50 का जो लेवल है, यहाँ पे एक डिप आने के बाद फिर से एक बाइंग आ सकती है यहाँ पे। अगर ये लेवल ब्रेक करके या फिर यहाँ पे आने के बाद में अगर कुछ यहाँ पे होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेक डाउन देता है, तो ये लेवल हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। और
यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सपोर्ट जो है, ये 430 का जो लेवल है, यही एक सपोर्ट है, मैग्नेटिक लेवल की तरह ये काम कर रहा है। ये जोन भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये बहुत क्रुशियल जोन है। ये यहाँ पे मार्केट ने अगर देखोगे 2-3 दिन यहाँ पे टाइम पास किया है, इसके ऊपर ही निकल नहीं रहा था, और आज हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। तो देखते हैं कल ब्रेकआउट सस्टेन होता है या नहीं होता है। 500 के ऊपर तो हमें क्लोजिंग मिली है, और बैंक निफ्टी ने भी अगर देखोगे तो 48,000 का जो लेवल है यहाँ पे, उसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमें दिया है। 48,000 के ऊपर क्लोजिंग भी हमें मिली है। अगर यहाँ पे देखोगे तो हमें क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी की मिली है 48,660 का जो लेवल है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे तो रेड कैंडल हमें डेली में दिखने मिल रही है, और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये भी हायर लेवल की पास जो है सस्टेन होता हुआ दिख रहा था हमें। तो आज इसने भी ब्रेकआउट देने के बाद डिप भी मारा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद में ऊपर की साइड में हमें क्लोजिंग देखने मिली है। तो ये वाला अगर हाई निकलता है कल मार्केट, ये वाला जो है आप इसे 48,161 का हाई निकलता है, तो कंटिन्यूशन में हमें एक रैली फिर से एक देखने मिल सकती है। लगभग 500 से 600 पॉइंट का जो है हमें रैली देखने मिल सकता है। अगर निफ्टी भी नया ऑल टाइम आए, तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है 600 का, तो फिर से अगर हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। तो इंट्राडे में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे तो गैप अप होने ओपन होने के बाद इसने भी काफ़ी डिप लगाया, और उसके बाद में ये ऊपर की साइड में मूव किया है। और इसमें भी हमने एक जो है ट्रेड दिया था फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसने लगभग 100 पॉइंट का रैली हमें देखने मिला है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें लेवल्स की, तो ये वाला जो लेवल है ये हमें कल देखने मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तो 48,333 जो लेवल है ये सबसे पहला अगर हमारा लेवल होने वाला है। अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये वाला जो है, ये जोन में मार्क कर देता हूँ, यहाँ से नीचे अगर निकलेगा तो हमें ये लेवल देखने मिल सकता है। इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो लेवल है इसे आप मार्क करके रख सकते हो रेफरेंस के लिए। 47,776 का जो लेवल है, यहाँ तक एक डिप हमें मिल सकता है, और फिर यहाँ से अगर कुछ डब्लू पैटर्न बना के रिकवरी देता है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। अगर इसके नीचे फर्दर ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड में हमारे पास ये लेवल्स ऑलरेडी है, जो कि है 47,600, और उसके नीचे अगर निकलेगा तो 500 तक हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो। और यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलेगा तो इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए 48,060 का। यहाँ से अगर कुछ वेट करता है ओपन होने के बाद, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम ये वाला जो है इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं, जो कि 48,150 के ऊपर हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जो कि हमें लेके जाएगा 48,338 या 40, आप पकड़ कर चल सकते हो। और फर्दर उसके ऊपर अगर निकलता है तो 400 तक के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी देखने मिल सकते हैं अगर निफ्टी अगर साथ देता है तो। तो ये दो लेवल जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और ये वाला जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 48,060 या 50, आप पकड़ के चलिए। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पे अगर देखोगे आप ओआई की हिसाब से अगर देखेंगे तो निफ्टी 500 के नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर 500 के नीचे निकलता है, यहाँ पे अगर देखोगे सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप जो है यहाँ पे पुट राइटिंग जो हुई है यहाँ पे हुई है 22,500 के लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। लगभग अगर देखोगे 2.61 सीआर का यहाँ पे पुट राइटिंग है, और ये इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर था वो तो ऑलरेडी फंस चुका है। और ऊपर की साइड अगर देखोगे तो 550 का जो लेवल है यहाँ पे देखोगे आप, तो 2 सीआर का लगभग जो है यहाँ पे कॉल राइटर है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो ये वाला भी कॉल राइटर जो है फंस जाएगा, फिर मार्केट जो है आपको आने वाले टाइम में जो है 22,700 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। और इंट्राडे में
और कल के लिए 600 का लेवल जो है, जो लगभग आज का जो हाई अगर देखोगे आप तो 622,603 का जो हाई लगा है, इसके ऊपर भी कल मार्केट देखते हुए निकलते हुए दिख सकता है। अभी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं हम, वो है कि हिसाब से कहाँ पे रेजिस्टर्स और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 48,000 जो है यहाँ पे लगभग सेम ही है, कॉलराइटर जो है 26.1 लाख का जो है कॉलराइटर है, और पुट राइटर अगर देखोगे तो 24.64 लाख का जो है यहाँ पे पुट राइटर है, तो उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे जो कॉलराइटर था उसका तो कुछ यहाँ पे बनता नहीं है कुछ लॉजिक, तो उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है 48,000 के ऊपर। तो ऊपर की साइड अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है 48,500 तक जाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा जो है रैली हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये ओआई का एनालिसिस था। अगर मार्केट नीचे निकलता है डे लो के नीचे तब भी हम यहाँ पे पुट साइड में जो है जाने की सोचेंगे। तो जो लेवल्स हैं कुछ अगर चेंजेस होता है गैप अप गैप डाउन में, तो जो लेवल होते हैं लाइव मार्केट में यहाँ पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके जुड़ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए हम मॉर्निंग में यहाँ पे देखोगे आप तो लेवल्स प्रोवाइड कर देते हैं, और कुछ कॉल्स होते हैं यहाँ पे आप अगर देखोगे तो निफ्टी का जीरो हीरो ट्रेड जो है मैंने देखो यहाँ पे कितने बजे दिया था, आप टाइम देख सकते हो, 10:09 पे मैंने निफ्टी का जीरो हीरो ट्रेड दिया था, 22,250 का पी 10 से 12 रुपये दिया था। अगर आप उसको देखोगे उसने कितना हाई लगाया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 3x हो गया था, वो 10 रुपये से दिया था मैंने, 27 हो गया था, मतलब लगभग 3x हो गया था। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे सॉरी 3x 5x हो गया था, वो 52 गया था। उसके आगे भी उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे ये भी मैंने दिया था लेवल एज ऑफ नाउ, अब वो 22,430 ऊपर, इसके ऊपर ही बुल्स के लिए कोई ट्रेड बनेगा, लेवल को सस्टेन करेगा तो सोचना बाइंग का। ये मैंने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ पे, ये मैंने किया था लगभग 12 बजे के आसपास। उसके बाद अगर देखोगे तो ये मैंने सी दिया था बैंक निफ्टी का, 47,800 का सी मैंने दिया था, 350 से लेके 360 के रेंज में मैंने दिया था। अगर उसको आप देखोगे उसने कितना हाई लगाया, तो इसने लगभग 466 का हाई लगाया था। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 100 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुके थे। उसके बाद मैंने फिर से एक बार जीरो हीरो दिया था निफ्टी का, 22,500 का सी मैंने दिया था 25 रुपये का, 1:10 में। उसने भी अगर देखोगे आप हाई कितना लगाया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये 4x तो ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे, तो लगभग उसने 104 का हाई लगाया था। देखो मैंने 25 रुपये भी दिया था, 104 का इसने हाई लगाया। उसके बाद मैंने फिर से एक बार जीरो हीरो दिया था यहाँ पे, ये वाला देखोगे निफ्टी का ही मैंने दिया था, वो भी अगर देखोगे तो इसने भी ये देखो यहाँ पे 1:54 पे मैंने दिया था जीरो हीरो ट्रेड, 22,600 का सी, 5 से 6 रुपये मैंने दिया था। और उसने भी अगर देखोगे यहाँ पे तो 16 रुपये का उसने हाई लगाया था, ये भी लगभग जो है 3x हो चुका था। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसी तरह से कम्युनिटी हमारी जो है प्रॉफिटेबल कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो होने वाली है। तो ये मेरे चैनल का इंटरफेस है, 1 मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बुल्स नाम से। यहाँ पे हम डेली वीडियो यहाँ पे एनालिसिस वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के जो है एनालिसिस वीडियो हम यहाँ पे डालते हैं। और 1 मिनट यहाँ पे अगर देखोगे जीरो हीरो तो बहुत सारे जीरो हीरो जो है हमारे काफ़ी तगड़े गए हुए हैं यहाँ पे,
यहाँ पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का मैंने पहले एनालिसिस वीडियो परसों डाला था मैंने कि यहाँ पे एक भी मूवमेंट हमें मिलने वाला है, और ये जीरो हीरो जो है 4 रुपये से लेके 136 रुपये गया था। आप इसका भी डिटेल्स देख सकते हो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। यहाँ पे अगर देखोगे रिको ऑटो, एस्ट्रल, ये सारे बहुत सारे स्विंग के लिए, रेन इंडस्ट्रीज, नेशनल एल्यूमिनियम, कहाँ पे इसके बाइंग लेवल थे, कौन सा इसका स्टॉप लॉस है, ये सब हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे डालते हैं। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये डिस्क्लेमर दे दूँ मैं पहले। तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हो शेयर मार्केट से तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।